अभी तो कौम माने की क्या हमारे रहबर हैं, हमारे भाई हैं। हुसैन को आज नहीं बल्कि कूफा के लोगों ने नहीं, बल्कि मदीना के लोगों ने नहीं, मक्का के लोगों ने नहीं, मिस्र के लोगों ने नहीं, तवज्जो फरमाए मेरी जानिब। अगर हुसैन ने अपनी जान दी उस जमाने के लोगों ने ही नहीं, बल्कि कयामत तक के लोगों ने अपना इमाम मान दिया, शहीदों का इमाम मान दिया, शुहदाए अल्लाह का इमाम मान लिया, कयामत तक जितने शहीद होंगे सबका इमाम मान लिया। इसलिए के हुसैन ने वो मिसाल पेश कर दी, अपनी जान भी दे दी और मोहम्मद की जान भी लुटा दी और कौम को बता दिया, ए कौम मैंने सब कुछ दिया है तुम्हारे लिए, वरना मैं चाहता तो मैं तो सब कुछ कर लेता। लेकिन हमें चाहिए हमारे कायद भी हुसैन के नक्शे कदम पर चले, हमारे कायद से उलाबिदीन के नक्शे कदम पर चले, हमारे काजी कायद हजरत कासिम के नक्शे कदम पर चले, हमारे कायद हजरत उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चले, हमारे कायद हजरत उमर खत्ताब के नक्शे कदम पर चले, ताकि कौम समझ ले कौम के नाइब, कौम के सदर, कौम के सेक्रेटरी, कौम के सदारत करदार अगर इस ओहदे पर हैं, ये मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, इबादत गुजार हैं, आबिद व ज़ाहिद हैं, मुत्तकी हैं, अल्लाह ने इन्हें दर्जा दिया है, शियार दिया है, मकाम दिया है, बंदियां दी है, मकाम व मर्तबे दिए हैं, ये कौम का हर हर बच्चा मैं कहता हूँ नमाज़ी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजमे आम मतलब हो रही है, इंशाअल्लाह सबको अल्लाह नमाजी बना दे, हमारे चौधरी साहब को भी अल्लाह नमाजी बना दे। अल्लाह